हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विशान देशी माम। आई एम दी लाइक यू नो फाउंडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट मुस्लिम स्पेशली। So, जाहिर सी बात है मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, मेरे को फंसा रहा है कौन मुझे मतलब ये। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, जैसा आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज चलाई थी जिसका टॉपिक था कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाने की कोशिश, कास्टिंग के नाम पे कोई कॉल आता है और मुस्लिम मजबूर लड़की को मॉडलिंग का लालच देकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही कॉल जैसे हमने हमारे प्रीवियस एपिसोड में चलाया था, ये पार्ट टू है उसका। उसमें एक बंदा जो है एक एडवोकेट को फ़ोन करता है, लेडीज एडवोकेट से बात करता है, उसको ऑफर देता है कि 15 दिन का 40,000 शूट करना पड़ेगा, ये वो, जैसे आप लोग ने सबने देखा बहुत वायरल हो रहा था वो। उस बंदे ने अपना नाम बताया, जिशान पेशीमाम फ्रॉम बांद्रा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जिशान पेशीमाम। आई एम द लाइक यू नो फाउंडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट मुस्लिम स्पेशली। तो जैसे ही हमने इसकी तहकीकात शुरू करी, क्योंकि वैसे ही लग रहा था कि ये आदमी ओरिजिनल नहीं होगा, ओरिजिनल नाम नहीं बताता होगा, हमारा सबसे पहले शक गया कि ये नाम फेक बता रहा है। तो हमने बांद्रा में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स किए कि ये जिशान पेशीमाम कौन है, क्या है, क्या वही है कि नहीं है। तो हमारी जैसे ही लीड मिली हमें, तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारे वहाँ पर एक पेशीमाम बहुत रेप्यूटेड फैमिली है बांद्रा में, बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली है। तो उनसे हम कॉन्टैक्ट किए, उनके लड़के का नाम जिशान है, उसको भी जिशान पेशीमाम बोलते हैं। जिशान अली पेशीमाम, बट उसने सिर्फ जिशान पेशीमाम बताया था। फिर हमने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों को एनालाइज किया, हमारे फ्रेंड उस्मान कपाड़िया जिन्होंने जिशान से बात करवाई, तो हमने वॉइस एनालाइज किया। हम आपको भी एनालाइज दोनों की वॉइस बताएंगे कि दोनों बहुत ही डिफरेंट वॉइस है। ऑब्वियसली ये फेक नाम यूज़ किया गया। तो हमने इनको कॉल किया, इनको कहा कि भाई आपके बेटे का नाम यूज़ हुआ है जिशान का, तो आप आके क्लेरिफाई करना चाहें तो बात कर सकते हैं। नजीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नजीब भाई क्या करते हो आप? मैं कैप्टन हूँ, रिटायर हो चुका हूँ मर्चेंट नेवी से, 41 इयर्स ऑफ सर्विस, और अब अपना छोटा सा बिजनेस है वो संभालता हूँ। पेशीमाम फैमिली का बांद्रा में मतलब रेप्यूटेड, जैसे हमने अभी तक निकाला है कि बहुत रेप्यूटेड नाम है जी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पेशीमाम सरनेम एक यूनिक सरनेम है जो पेशीमाम रशिया में भी मिलेगा तो शायद हमारा रिश्तेदारी होगा। तो इट्स अ वेरी कॉमन, इट्स नॉट अ कॉमन सरनेम, कोई यूज करता होगा। इमाम काफी कॉमन है लेकिन पेशीमाम इतना नहीं है। तो जब जिशान पेशीमाम का जब नाम आया इसके अंदर, जब मैंने आपके जो ये एपिसोड में देखा है तो मुझे बताया किसने, मैंने नहीं देखा, तो सुनने के बाद में मुझे ये पता चला कि ये तो जिशान नहीं है। तो फिर मैंने उसके बाद में फिर आपको फोन करके बताया कि ये जो लड़का जो शख्स जो बता रहा है कि उसका नाम जो जैसे आपकी जो मोहतरमा थी वो अपने इंटरव्यू के बीच में उसने कहा कि आपका नाम क्या है, क्योंकि उस बंदे से पूछी, उसका तो चेहरा छुपा हुआ था तो हम तो जानते नहीं थे। तो उसने जब कहा कि मेरा नाम जिशान पेशीमाम फ्रॉम पाली, पाली हिल बोला शायद, चेहरा छुपा हुआ नहीं था, इट वाज वॉइस रिकॉर्डिंग, तो हमको ऐसा, ओह इट वाज वॉइस रिकॉर्डिंग, व्हाटएवर, आई डोंट हाइड द फेस, एक फिगर जैसा, तो ऐसे बंदों को तो हम ओपन कर डाले। हाँ तो ठीक है, तो उसका मतलब वो था ही नहीं, तो उसके अंदर में तो मैंने कहा कि जिशान पेशीमाम फ्रॉम पाली हिल, तो ऐसे इस सूरत के अंदर में मुझे काफी कंफ्यूजन हो गया। मेरी एक रिश्तेदार ने फोन किया, मेरी सिस्टर लगती है वो कजिन, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया बताया कि ऐसा ऐसा जिशान का है। तो मैंने जब वो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया ईमेल, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सब्सक्राइब टू योर चैनल, तो मैं यहाँ तो आई विल इंशाल्लाह, बट जब ये देखने के बाद में मैंने देखा कि जिशान का तो नाम नहीं है, तो फिर मैंने इमीडिएटली उनसे फ़ोन करके फिर मुझे फिर जिशान के दोस्त उस्मान का है, तो बोले ये नाम मुझे ये आवाज़ ही जिशान की नहीं है, तो जिशान की आवाज़ हमने कल आपसे बात की ना, तो आपकी वॉइस और उसकी वॉइस को आपके बेटे की वॉइस ये है जिशान, ओरिजिनल जिशान पेशीमाम जिसने कॉल नहीं किया था और उसका नाम यूज़ किया है। जिशान आपको जो हमने नंबर भेजा था, ये जो नंबर है ये नंबर आप ध्यान दीजिए, 00918433780498, ये कॉल से फोन किया था और नाम जिशान का यूज़ किया गया था। जिशान पेशीमाम साहब आपका नाम इस बंदे ने लिया है, तो आपने फाइंड आउट किया कि ये जो बंदा है ये आपके कोई फ्रेंड है या बिल्कुल नहीं? जब हमने नंबर डायल किया था, हाँ, तो जो से बोलेंगे डैडी का वो, हाँ। जब हमने जब डायल किया था, जब मैंने फ़ोन डायल किया था,
उस पर तो नंबर सेव ही नहीं किया था. अच्छा. इट वॉज नॉट सेव्ड. सो जाहिर सी बात है मैं उसको जानता ही नहीं हूँ. मेरे को फंसा रहा है कौन मुझे मतलब इसमें. जब पता चला कि जीशान नेल लगे तो मेरा दिमाग इतना फास्ट फॉरवर्ड होने लगा कि मैंने सोचने लगा कि कौन मलाइन कर रहा है बच्चे का नाम, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो सब. जीशान उस वक्त सो रहा था, मैंने उससे पूछा कि जीशान आपने किसी के साथ में कोई इंटरव्यू दिया है क्या? तो जीशान बोलता नहीं पापा, मैंने तो कभी का नहीं किसी के साथ बात किया था, मैंने बिल्कुल नहीं किया था. तो फिर बोला कि चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम है ना. फिर बाद में फिर फ़ोन आया, फिर उसके जीशान के फ्रेंड का उस्मान का फ़ोन आया और जो मेरी कज़न थी उन्होंने भी कहा कि जीशान की आवाज़ नहीं है बिल्कुल. उस्मान ने भी वही कहा जबरान. उसके बाद में फिर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, आपको कॉन्टैक्ट करने के बाद पूछा कि ये कैसे हुआ ऐसे, कि ये कौन है ये जीशान पेशीमाम जो है, क्योंकि ये मेरा बेटा नहीं और ये आप मेरा फ़र्ज बनता है कि लोगों को पता चले कि क्योंकि खास करके मेरे फैमिली वालों को, मेरे फ्रेंड्स को, इनके फ्रेंड्स को. सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई ये कहता है कि अरे जीशान पेशीमाम ने ये कहा उनका, तो हमारे फैमिली की इज्जत भी होती है. तो उसके खुद की भी है, अभी उसकी नई नई शादी होगी, उसके इन लॉज भी सुनते होंगे कहीं पर, तो पता चला. और हर शख्स तो आता नहीं क्लियर करने के लिए कि अरे जीशान ने कहा है कि नहीं कहा है. कुछ लोग तो ऐसे भी तो अरे ऐसा जीशान भी ऐसा भी कर सकता है. और चार को कंफर्म और चार फिर गए जी. तो इसलिए हम चाहते थे कि आपके आपके चैनल के थ्रू लोगों को बताया जाए. आप आके हमारी बात को, क्योंकि ये मैटर को समझे, ये एक नॉर्मल मैटर नहीं है ना जी भाई. एक बंदा जो है वो एक लड़की को फोन कर रहा है, वो मुमरा जैसे मुमरा में, और उसको कह रहा है कि आप फोटोशूट के लिए आ जाओ, 40,000 रुपये मिलेंगे, और हम लोग सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और ऐसा वैसा. और फिर उसने अपना नाम जीशान बताया, फिर अजान हो रही है तो बोलता है अजान हो रही है, थोड़ा रुको, यानी एहतराम भी कर रहा है. फिर बाद में बोल रहा है अरे अभी तक तो मैंने 13 लड़कियों से तो कॉन्टैक्ट कर लिया, अभी तेरे तुम्हारे फ़ोन रखने के बाद और 13 में से 4 लड़कियाँ रेडी होगी. वो बताया कि मुस्लिम मजबूर लड़कियाँ को हम लोग टारगेट करते हैं 18 साल के, मतलब वो क्या करना चाहते हैं समझ. तो कहीं ना कहीं हम आपको बता दें, एडवोकेट रिजवान मर्चेंट का समय पहले जैसी ही न्यूज़ वायरल हुई हमारे चैनल पे, तो एडवोकेट रिजवान मर्चेंट बहुत ही रेपुटेड एडवोकेट है, आप सब जानते हो, तो उनका फ़ोन आया एंड ही वांट टू टेक टू ही वांट दिस टू बी इन्वेस्टिगेट बाय द डिपार्टमेंट. और जैसे कि इनको भी हमने एडवाइस दी है कि इनका आप पुलिस में जाके रिपोर्ट. जी मैं खुद भी मैंने ये किया है कि आई विल गो टू साइबर कैफे, साइबर क्राइम. मेरे ख्याल से एड्रेस आपसे ही लूँगा, मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा इल्म नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाके कंप्लेन भी करूँगा, दर्ज करूँगा, लोकल पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करूँगा, क्योंकि इस तरीके से द नेम ऑफ माय सन इज़ बीइंग मलाइन. तो इसके बाद हमारे पास कुछ और पुलिस भी इसकी तहकीकात करें, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड देन एटलीस्ट वी विल फील दैट सम नोबडी एल्स इज now doing this mind exactly cannot go. That is the main thing, so sir. That it does not happen. Yeah, so that you are jishan kuch bol raha hai, main pata nahi itna bolna chah raha ki ye sir mera naam nahi hai, kisi aur ka naam kar badnaam nahi kare bas. ji bahut sahi baat ki jishan ne ke naam liye family disturb ho jati hai, ye disturb hoti hai. To hum keh rahe the ki advocate rizwan mohsin sir ka phone aaya tha, uske baad jo hai उन्होंने इस मैटर को आगे ले जाने का, कल रात को भी जब इनसे कांटेक्ट हुआ, रात को 2 बजे रिजवान मर्चेंट सर से बात की, उन्होंने फर्म से फ़ोन पे बात की और ये कहें कि इसके बाद जो है ये इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए डालेंगे बराबर. अब दो तरह से पुलिस को जो है, थाने पुलिस को भी और मुंबई पुलिस को भी जो है मिल के इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. एक तो ये बंदा जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई गैंग चल रही है जो मुस्लिम लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो आज मजबूर हैं, जो उनको पैसे की ज़रूरत है. अब क्या भरोसा, क्या फोटो शूट करा है, क्या रिकॉर्डिंग ले, क्या नहीं लिए, हो सकता है ये कोई मामूली मजाक मस्ती हो, मगर हो सकता है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो. अब दो एंगल से करना पड़ेगा कि उसने जीशान सिद्दीकी का नाम, सॉरी जीशान पेशीमाम का नाम क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इट इज़ नॉट अ कॉमन. सलीम शेख बहुत कॉमन नाम है, मगर जीशान पेशीमाम वो कॉमन नाम नहीं है. तो वाई ही इज टारगेटेड, हिज फैमिली इज कंसर्न अबाउट दिस, एंड इसकी कंप्लेंट होना चाहिए, इसकी ये भी अलग से तहकीकात होना चाहिए कि क्यों ना जी भाई. सही बात है कि इनका नाम है कि अगर एक कॉमन रहता, चलो जैसे उस्मान कपाड़िया, ठीक है उस्मान कपाड़िया है, तो उस्मान जो है उसका भी नाम जो है कॉमन थोड़ा बहुत है, मगर पेशीमाम फैमिली बहुत कम नाम है. तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए. दूसरा ये हमारा दूसरा एपिसोड है, तीसरा एपिसोड के लिए हम
कुछ मटेरियल जमा और कर रहे हैं एडवोकेट। हम आपको बताते हैं एडवोकेट एमएलए रईस शेख का फोन आया, वारिस पठान जी का भी हमको फोन आया जो ये मैटर को प्रेशर करेंगे होम मिनिस्टर होम सेक्रेटरी से बात करके और इसकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे। और गली न्यूज भी अपने व्यूवर्स को रिप्लाई। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, पूना से हमको कॉल आया था कि पूना में भी कुछ लड़कियों को ना ऐसे कॉल्स आए हुए, तो हम चाहते हैं कि जो जो लोग को आप कॉल आए हुए हैं वो आप हमको कॉल करके बता सकते हैं। डरिए मत, आपका नाम भी अगर आप, वो बच्ची हिम्मत वाली थी जो एडवोकेट है, वो बहुत हिम्मत वाली थी जो ओपन आके बोल रही है और आज भी बोल रही है कि सलीम भाई मैं जो है इसको बहुत आगे तक लेके जाऊंगी, बिकॉज शी इज एन एडवोकेट ऑल्सो, उनकी डेयरिंग भी है। तो जो जो लड़कियों को ऐसे प्रैंक कॉल्स आ रहे हैं, जो ऐसे कॉल्स आ रहे हैं मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, वाकई किसी के साथ कोई घटना घटी है, वो लोग भी हम आपका चेहरा ब्लर करेंगे, हम कहीं नाम नहीं बताएंगे, बट इट कुड लीड अस टू इन्वेस्टिगेशन और एक कॉन्स्पिरेसी खत्म करने के लिए हमको मदद मिलेगी। तो जो जो लोग अगर इससे इफेक्टेड है या जिनको कॉल आया, प्लीज हमको कॉल कर दीजिए, क्योंकि हमको इसको है ना हायर अथॉरिटी को बताना है। जी हाँ जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक रिक्वेस्ट है सलीम साहब, एक गुजारिश है कि आप प्लीज एक तुम्हारे सेकंड एपिसोड में या कोई एक क्लेरिफिकेशन दे देगा कि हमारे फैमिली को। यस बस सर्टेनली इट इज दिस अ क्लेरिफिकेशन काइंड, दिस इज नॉट ओनली अ क्लेरिफिकेशन ऑफ जीशान, दिस इज सेकंड पार्ट इज कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग मोर। बस यही अभी हमने पहले ढूंढा, रिजवान सर से बात की, रिजवान सर वहीं रहते हैं। व्हाई आई एम टेकिंग रिजवान सर नेम, बिकॉज़ ही इज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी, ही वाज कंसर्न अबाउट दिस थिंग गोइंग ऑन। तो उन्होंने हमको कहा कि मैं बैंड्रा में रहता हूँ सलीम, एंड मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, एंड आई नो सम पेशीमाम फैमिली, एंड मुझे लगता है कि बट देन ऑल्सो विल क्लेरिफाई, तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं खाली आपका नाम क्लियर करने में नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, राइट? तो आपने आके चैनल पे बोला, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, नहीं खामखा गलत नाम किसी का बदनाम करना, ये करना है उसके करियर के अंदर में, उसके इसके अंदर में होता है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं खुद भी मैंने को कल इतना बोलना है, थैंक यू वेरी वेरी मच। काहे के लिए बस शुक्रिया। आई शुड थैंक यू दैट यू केम ऑन एयर एंड यू आर सेइंग दिस इज नॉट मी, एब्सोल्युटली यू गॉट अ गट्स टू से दिस, मदर डोंट टेक टेंशन। ठीक है, शुक्रिया। तो दोस्तों प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करिए, हमें बताइए कि अगर किसी को कॉल आता है, और हमारा इसका तीसरा एपिसोड भी जो हम इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे 4-5 दिन में, जैसे रिजवान से फ्री होते हैं, पूना से कॉल आया, और लोग भी हमको अभी कॉल करेंगे, तो विल ट्राई टू फाइंड आउट इंशाल्लाह। फिर देखिए अल्लाह कहाँ तक ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो जीशान के जो भी दोस्त हैं, जीशान की जो फैमिली जो पेशवा हमको जानते हैं, वो ये जीशान नहीं है जो वो कॉल में था। लेट मी मेक इट क्लियर। थैंक यू वेरी मच। चलो, अस्सलाम।